हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि एक रैबिट खरीदने से पहले जो भी लोग रैबिट खरीदते हैं, एक छोटा बेबी या बड़ा रैबिट, तो खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान होनी चाहिए, उसके बाद में ही रैबिट खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि एक रैबिट खरीदने से पहले सबसे पहले तो रैबिट को देखना चाहिए कि वो एकदम उछल कूद करता हुआ रैबिट होना चाहिए, मतलब अच्छे से खा पी रहा हो, घूम फिर रहा हो, अच्छे से हलचल कर रहा हो। तो उसके बाद में ही आपको रैबिट को देखना चाहिए कि रैबिट बीमार रहता है तो वो अचानक से दुबके और छुपके बैठा रहता है, कोई हलचल नहीं करता है, जबकि एक अच्छा तंदुरुस्त रैबिट होता है वो अच्छे से उछल कूद कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बीमारी का ध्यान रखना चाहिए कि वो बीमार तो नहीं है। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ आपसे कि दूसरी जो बात है वो क्या करना चाहिए कि आपको उसके अच्छे से पैर चारों पैर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, टूटे हुए तो नहीं है पैर, और कान, अभी देखो इसमें ये डिफेक्ट है, ये देखो, तो कान, पैर और दोनों आंखें, ये सब, और उसके कोई खुजली बीमारी तो नहीं है ना, जैसे अभी इस रैबिट के ये बीमारी हो चुकी है, ये देखो ये फंगस वाली बीमारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये बीमारी आपको देख लेनी चाहिए। उसके बाद में एक उम्र की, रैबिट की एज कितनी है, ये घर में पालने के लिए एक छोटा बेबी लेके आए हैं, तो जैसे 1 मंथ का बेबी है तो 1 मंथ से वन मंथ या 2 मंथ का बेबी है, या फिर बड़ा है तो एक एज, एक रैबिट की एज होती है 8 से 12 साल, तो एक एज को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में आपको मेल चाहिए फीमेल चाहिए तो नर मादा का भी पूछ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए अच्छे से, आपको मेल चाहिए फीमेल चाहिए या मेल फीमेल दोनों पैर में चाहिए। उसके बाद में आप कौन सी ब्रीड है तो वो देख लेना चाहिए कि आप कौन सी ब्रीड की रैबिट खरीद रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, एक ब्रीड है जो न्यूजीलैंड वाइट रैबिट है, ये देखिए अंगोरा रैबिट है, इंग्लिश लूप अंगोरा, तो ये सब ब्रीड है जो आपको देख लेनी चाहिए कि कौन सा ब्रीड है और कौन सी ब्रीड मैं खरीदने जा रहा हूँ। और एक रेट का बार्गेनिंग करनी चाहिए, रेट का चारों तरफ पता करना चाहिए कि कौन सी जगह सस्ता रैबिट है, कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें आपको एक रैबिट खरीदने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।